Hi guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel. This is me, your host and your dose for the evening, Ishani Wonderless. आज मैं करूंगी quick 5 minutes makeup tutorial. आज मैं कोई brushes नहीं use करूंगी, मैं कोई beauty blender use नहीं करूंगी. I am going to do makeup with my hands. This is for those people जिनके पास सुबह time नहीं होता, who are in a rush, जिनके पास you know morning में, मेरे से लोग जो office जाते हैं. अभी तो फिलहाल work from home चल रहा है, but people who go to office, तो चलिए करते हैं आज की video की शुरुआत. You know the drill, you have to like, comment, subscribe, follow me on my Instagram, Ishani Wonderless. चलिए शुरू करते हैं, let's begin. सो मैंने पहले ही अपनी स्किन प्रेप कर ली थी. एक्चुअली आई वॉज मेकिंग सम रील्स. मैंने अभी फेस शॉप से थोड़ी सी चीज़ें परचेज करी हैं. मैंने पहले ही अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रेप एंड क्लीन कर लिया है. सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई अ प्राइमर. मैंने अपनी ऑलरेडी स्किन पे प्राइमर लगा लिया है. आई हैव ऑलरेडी डन द स्किन केयर. एज यू कैन सी मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं. तो यू नो आप जब भी मेकअप करें तो अपनी स्किन को प्रेप ज़रूर करें. बट सिंस मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं होता एंड यू ऑलवेज इन अ हरी, तो मैंने बड़ा ही एक क्यूट सा एक मिनी सू से एक हेयर बैंड लिया है जस्ट फॉर माई मेकअप. तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी विच इज़ गोइंग टू बी फिट मी मैटलेस फॉर आई एम इन द शेड 220 फाउंडेशन विच इज़ गोइंग टू बी दिस वन. I will be taking very less on my hand, as you can see. इतना सा मैं अपने हाथ पे लूंगी और इसको मैं फटाफट अप्लाई करूंगी. आप चाहें तो इसकी दो लेयर ले सकते हैं. You can just take two more layers. मेरी स्किन पे दाने हैं इसलिए मैंने एक और टोन लिया जस्ट फॉर माय फोरहेड एंड फॉर माय आईज एंड फॉर माय नोज. सो मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है विद माय हैंड. एंड आप चाहें तो अपना आईब्रोज भी कर सकते हैं बट आई डोंट हैव टाइम टू डू इट. सो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी एक अमेजिंग सी आई पेंसिल विच इज़ फ्रॉम शुगर. ये मैंने रिसेंटली परचेज करी है. आई एम इन द शेड पिकॉक. दिस इज़ द वन विच आई विल बी अप्लाइंग. ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी मैं, अपनी बस आईज़ के ऊपर वाले लिड पर अप्लाई करूँगी. आप चाहें तो विंक बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं. आई लाइक टू कीप इट वेरी नेचुरल. ओके गाइस, सो आई हैव अप्लाइड द आईलाइनर. अब मैं अप्लाई करूंगी हल्का सा ब्लशर एंड आई एम गोना यूज बेनिफिट गोल्ड रश मिनी विच इज गोइंग टू बी दिस वन. इसके साथ एक हल्का सा ब्रश भी आता है, तो आप चाहें तो ब्रश यूज कर सकते हैं. वैसे तो मैं आजकल काफ़ी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ बट सिंस मेरे पास अभी टाइम नहीं है एंड आई हैव टू गो, तो उसको हम फटाफट लगाएंगे. यू हैव टू अप्लाई टूवर्ड्स योर दिस साइड. ब्लश यूज़ कर सकते हैं. मैं एक्चुअली बेनिफिट के प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इन टर्म्स ऑफ ब्लश. मैंने बहुत ही हल्का एंड बहुत ही सटल वेरी लाइट सा ब्लश लगाया. मैं ज़्यादा ब्लश नहीं लगाती. एंड द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी मस्कारा. मस्कारा आपकी आईज़ को बहुत अमेजिंग वॉल्यूम देता है. इट मेक्स आईज लुक वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रेप्ड अप. चलिए मस्कारा लगाते हैं. मस्कारा लगाने से पहले मस्कारा को मैं हल्का सा कर लेंगे. मस्कारा हम लगाएंगे हल्का सा. आप देख सकते हैं मेरा काजल फैल. आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन. मेरा काजल हल्का सा फैल गया था, तो वो मस्कारा लगाएंगे हल्का सा.
Okay guys, I forgot to mention, I have applied Faces ka Ultimate Pro HD Mascara, which is going to be this one. As I said, main sare products ka link description mein mention kar dungi. Now it's time for lipstick. आप चाहें तो हल्का सा contouring भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हल्का सा bronzer भी apply कर सकते हैं. I don't like to apply so much of thing. I'm just gonna apply a little bit of lipstick, which is from Nia. ये मैंने Facebook से order करी है and I'm in the shade raw beige, which is going to be this one, Nia Beauty. इनके shades बहुत amazing हैं. मैंने अभी Instagram से recently order करा है and it's like just amazing. Just to let you know, मैंने lenses लगाए हैं aqua lens. I'm gonna be mentioning the link in description box. This is in the shade grey. अगर आपको जानना है तो guys, so this is going to be my final look. I'm almost ready. मैंने अपने बाल भी ढंग से ready कर लिए हैं. So I'm not gonna wear any ornaments or anything like that. I'm just gonna wear my trench coat and going to the office. या फिर अगर कहीं बाहर जाना हो, this is what I apply. आप चाहें तो आप हाईलाइटर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो एज आई सेड आप ब्लशर भी थोड़ा डार्क कर सकते हैं. मैंने बहुत ही लाइट सा ब्लशर लगाया है, बिल्कुल लाइट से लाइट. मिनिमल मेकअप मैं करती हूँ ऑन माई एवरी डे बेसिस. This is going to be my final look. अगर आपको मेरा आज का लुक पसंद आया हो, you know the drill, like, comment, subscribe, follow me on my Instagram, which is Shani Wanderlust. Mention the comment section below the kind of videos that I should produce for you guys and the kind of videos that I should include on my channel. And guys, please subscribe. Please make 3,000 subscribers on my Instagram. I want my family to grow. And I'll see you in my next video. तब तक के लिए, bye bye. See you. Bye.